हरियाणा के एक गांव में पंचायत चुनाव की धूमधड़ाका शुरू हो चुका है। चौपाल में पेड़ के नीचे तालाब के किनारे आज ज्यादा रश है। लोग शायद आपस में चर्चा करें कि हमने अब करना क्या है। तो जो उम्मीदवार चेयरमैन बनेंगे, सरपंच बनेंगे, पंचायत समिति के सदस्य बनेंगे, वो आज गांव में घूम घूम कर प्रचार करें और डोर टू डोर वोटिंग की अपील करें, जैसे विधानसभा और संसद के लोकसभा के चुनाव में होता है। आज हम मतलोडा ब्लॉक के गांव अदियाना में पहुंचे हैं। आज आपको मतलोडा ब्लॉक में लोगों की क्या राय है, अदियाना गांव के लोग क्या सोचते हैं, अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किस तौर पर करेंगे, उन्हीं की राय जानते हैं। आज इनके लिए जो पंचायत चुनाव है, गांव वाले लोगों के लिए यही विधानसभा और यही संसद के चुनाव होते हैं। इतना उत्साह इन लोगों में होता है। हम मतलोडा ब्लॉक के गांव अदियाना में आए हैं। गांव के माहौल को देखकर लगता है साफ सफाई, जिस तरीके से तालाब यहां साफ है, हमने कल रिसालू गांव में देखा था तालाब बहुत गंदा था, सफाई नहीं थी, लेकिन इस गांव को देख के लग रहा है कि साफ सफाई तो इस गांव में है। शायद लोगों की सोच भी वैसी होगी। कुछ लोगों से बात करते हैं गांव अदियाना में। जिला परिषद के, पंचायत समिति के, सरपंच के, सरपंच का चुनाव तो उसको गांव का मुख्यमंत्री कहते हैं एक तरह से मजाक में, तो ये चुनाव आ गए हैं। किन मुद्दों पे आप लोग अपने, जैसे आपको वोट डालना है, क्या मुद्दे होंगे, क्या सोच के वोट डालोगे? मुद्दे तो यही है सर, साफ सफाई हो गांव में और हर काम मतलब सोच समझ के लोगों की भावनाओं के अनुसार काम किया जाए। ये नहीं भाई लोग कुछ चाहते करते कुछ। एक तो नंबर एक साफ सफाई का सबसे मेन मुद्दा होता गाँव में, पढ़ाई, तो पढ़ाई है। हाँ, और फिर पढ़ाई की तरफ भी स्कूल में ध्यान दे, महीने दो महीने वहाँ पर जाना चाहिए। आजकल हरियाणा के गांव में खेलों का और पढ़ाई का भी बहुत जोर है। आप देखो खेलों में हरियाणा कमाल कर रहा है पिछले कई साल से, और पढ़ाई भी अब लड़कियां भी खूब पढ़ने लगी हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लड़कियां भी बहुत, महिलाओं का सशक्तिकरण है। पढ़ाई और खेल हरियाणा में पहचान हो गई इन दोनों की, तो इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है आपके गाँव में? बिल्कुल, पीछे हमारे गाँव में लड़की मेंबर पंच भी बनी हुई थी, अविवाहित लड़की थी, अनमैरिड, तो पंच भी बनी हुई, तो जागरूक है लड़की भी, कोई समस्या नहीं। आप बताओ अब आप भी वोट डालोगे? वोट किसको दोगे? आपका जो उम्मीदवार होगा कैसा उम्मीदवार होना चाहिए जिसको आप वोट डालोगे, बोल के बताओ। बढ़िया बढ़िया। अच्छा। बढ़िया किस तरीके का बढ़िया होना चाहिए तो बताओ ना। जो विकास करवाओगा गांव का वही, अच्छे काम करवाओगा उससे पर तो वोट डाल ही ले आगे। अरे गांव में यूं भी है कि चुनाव में दारू दुरू बाजी बहुत चलती है, ये वो दारू दारू पे आके वोट लेते हैं, ये गांव में बहुत बदनाम है, बताओ। ना मारा को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप बताओ आप ये वोट डालोगे अपना, आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए जिसको वोट डालोगे, बोल के बताओ। ठीक है जी, काम करना कराने वाला होना चाहिए जिस गाँव में, जो भी बढ़िया काम कराओगा उसी को वोट डाल लेंगे। कौन कौन सा गांव आपको, इस गांव में किस चीज की जरूरत है, जो काम आप चाहते हो जाए उसको वोट दो? बड़ी भी सारा सौदा है जी, सबकी जरूरत है जी। आप बताओ, गांव में बहुत शिकायतें आती है, जो ग्रांट ग्रूंट आती है, जो ग्रांट आती है उस खर्च नहीं होती। हम ना देखते हैं डीसी ऑफिस में लोग जाते हैं जी, खा गए जी, ये हो गया जी, पार्टीबाजी होती है, शिकायत होती है, गबन होता है, बहुत सारी चीजें गांव में। ऐसे आदमी को नहीं चुनोगे जो इस चीज को बढ़ावा देगा? नहीं जी, ऐसे आदमी को नहीं चुनेंगे जी। हमारा को अच्छा आदमी चाहिए, पुड़िया बनने चाहिए, गाड़े बनने चाहिए, पढ़ाई का ध्यान रहना चाहिए, और कोई दारू दप्पा नहीं पियेगा, बिना दारू के हम वहाँ कैंडिडेट को जाएंगे। आपके गांव में जो जिला पार्षद बनेगा, जो चेयरमैन पंचायत समिति, बाद में तो पता नहीं आपको मिले, आपके हाथ आए ना आए, लेकिन अब आपका वोट चाहिए उसको, कैसे आदमी को वोट दोगे? इधर आ जाओ, कैसे आदमी को वोट दोगे, किस चीज की जरूरत है गांव में? विकास की जरूरत है जी, हम वोट देंगे जो विकास करेगा उसको। और हमारी नजर में जो महावीर सिंह दैया है, बहुत ही अच्छा लड़का है, सरपंच रह चुका है, ईमानदार है, वही विकास की ओर ध्यान रखता है। लेकिन हम देखते हैं गांव में जो पोस्टरबाजी भी हो रही है, औरत चुनाव लड़ती है लेकिन आदमी आगे होता है, औरतों को क्यों नहीं आगे आने देते? पहचान तो औरत की अपनी होनी चाहिए ना, उसको काम करने का मौका मिले, एक्सपीरियंस होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका, महिलाओं को मतलब इंडिपेंडेंट आगे आने देना चाहिए, लेकिन आदमी चौधर बनते आगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा में लेडीज को थोड़ा पीछे रखते हैं, इसीलिए साथ में रहती है, वो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो आगे हो पीछे, नहीं। लेडीज का आप नाम ले रहे हो कि महावीर सिंह है, शायद बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले, हाँ, आप उसका नाम ले, दूसरे का नाम क्यों नहीं ले रहे, वो काबिल नहीं लग रहा आपको? नहीं जी, जो हमारी नजर में अच्छा है उसका लेंगे, हमारी नजर में तो अभी तक तो महावीर है,
उसको ले आएंगे, उसको मौका देंगे। वो नहीं करेगा तो फिर आगे को जिंदगी थोड़ा नहीं सपुटगी। गांव अधियाना का ये आप देखिए तालाब है जहां पशु नहा रहे हैं, भैंसे गाय नहा रही है, लोग भी आए, बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ प्रदूषण नाम की चीज नहीं है जो शहरों में है, जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं। पेड़ के नीचे कुछ और लोग भी बैठे, उनसे बात करते हैं। मतरोड़ा खंड का ये गांव अधियाना है जहां हम आए हुए हैं। आपके यहाँ पंचायत के चुनाव है, पंच सरपंच का भी है, पंचायत समिति, जिला अध्यक्ष, ये पहले चरण के 9 गांव में है आपका खंड। जिस उम्मीदवार को वोट डालोगे कैसा उम्मीदवार होना चाहिए आपका? अच्छा होना चाहिए जी, समाज सेवी को होना चाहिए, जो गांव के विकास कार्यों में भागीदारी हो और जनहित में काम करे। आजकल बहुत गांव में हमारे को लोग कह रहे जी हम जात पात नहीं देखेंगे, देखेंगे शिक्षित हो, उसमें गुण हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, ग्रांट लेके आए, ईमानदारी से काम करे, इस तरह के गुण बता रहे कि उसको वोट देंगे, आप क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो उसका चरित्र साफ होना चाहिए जी, अगर चरित्र में एक संदेह है तो उसको वोट देना कोई फायदा नहीं। ईमानदार हो, अच्छे परिवार से हो, उसको वोट देंगे और उसको बनाएंगे। आपने भी वोट डालना, किन चीजों को ध्यान में रखोगे? गांव की सामूहिक काम है, गांव का जो विकास होना चाहिए, बहुत से गांव के काम हैं वो मतलब आने चाहिए, अपना जैसे जोड़ का है, मंदिर का है, और गांव की गलियां हैं, नाली हैं, भाई विकास हो ऊपर से, मतलब जान पहचान करके बढ़िया, मतलब पैसा ग्रांट लाए, पैसा खींच के लाए गवर्नमेंट से, तो कोई मतलब बढ़िया योग्य उम्मीदवार, उसी को वोट देंगे। गांव अधियाना के लोगों की पसंद है कि उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि पैसा लाए, ग्रांट लाए और विकास कार्यों में तेजी आए। गांव अधियाना के ज्यादातर लोगों का यही मानना है। कुछ और लोग भी बैठे हैं। अभी तक हम जितने गांव में घूमे हैं, मतरोड़ा ब्लॉक का ये अधियाना गांव है, माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा वातावरण है, प्रदूषण नाम की चीज नहीं है। वोट आ गए आपके गांव के सरपंच के, जिला पार्षद के, चेयरमैन के, सारे वोट डाले, गांव में कैसा माहौल है चुनाव को लेके? बढ़िया, नंबर एक माहौल है, कोई दिक्कत नहीं। किस तरह का बढ़िया, थोड़ा सा बताओ ना। एक बार 20 खड़े हैं जी, किसकी की वोट देंगे, कोई जो भी वो हो जाएगा डरा, जब पता लगेगा किसकी वोट देनी किसकी नहीं, अभी तक तो कोई वो नहीं। गांव में ना जैसे थोड़े टाइम पहले तक ये खराब था कि दारू दुरू पिला के ये वो, इस तरह का माहौल होता है, सुनो शराब में पिला के अपना वोट, वोट की कीमत अपनी समझनी चाहिए, वोट की ताकत, अच्छे आदमी को आगे लाना चाहिए, राजनीति में बातें होती हैं। आप क्या करोगे? के बतेरे सरपंच उठ रहे, किस किसकी वोट डाल रहा है, निशाने नहीं मिले इवाल जी। किसको वोट डालो, कैसा आदमी होना चाहिए, कौन है आपके वोट का हकदार, कैसा होना चाहिए, किस तरह का आदमी हो जिसको वोट डालोगे? नंबर एक आदमी, जो बड़ी आदमी होगा उसकी डाल देंगे। आप बताओ, आप मेरे को लगे बढ़िया बोलोगे, बताओ अब वोट डालने का टाइम आ गया, क्या कुछ कैसा आदमी चाहिए इस गांव को जो आपका जनप्रतिनिधि? बढ़िया आदमी चाहिए जी, जो गांव का विकास करे और लूट कर देश खाएगा, पहला इन गांव ने बहुत ग्रांट आएगा हम तो। पिछले 1.5 साल से चुनाव लेट हो रहे ना, 1.5 साल, फरवरी 2021 में होने थे, लेट हुए। इस 1.5 साल में पंचायत विभाग के जो अफसर है, अफसरों के हाथ में था गांव विकास करना, पिछले 1.5 साल में क्या काम हुए यहाँ पे? कुछ काम नहीं आज, गांव की प्रेस भी, गांव ने पैसे उगा के, रुपया उगा के बनाई है, गांव की जो बड़ी प्रेस है चौपाल है वो पीछे उगा के बनाई गई है। तो आपके गांव के नाम के पैसे तो आए होंगे ऊपर से, ग्रांट सब गांव के कहाँ है पैसे? लेंटर ट्रिप करने लगा, तोड़ेगा दोबारा लेंटर तोड़ेगा, प्रेस गांव ने पैसे उगा के बनाई प्रेस। सरकार से मदद कम मिल रही है या मिल रही है तो पता नहीं कहाँ जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही, ग्रांट का तो बेरा लगा, गाँव में पैसे उगाए कर गेला प्रेस के तो जी। अब जिम्मेदारी का टाइम है, आपकी जिम्मेदारी बढ़िया आदमी को आगे लाना है। हम कह रहे हैं राजनीति में अच्छे लोग आए, अच्छे लोग तब आएंगे ना जब आप लेके आओगे, बताओ उसने लिया कैसे आदमी को वोट दोगे? जिला परिषद वाले को, जिला परिषद है, सरपंच के भी हैं और भी हैं, सरपंच बालक में वाल्मीकि में बनाऊंगे। अब वोट डालने का टाइम आ गया, किस तरह के जैसे पीछे जो आपका सरपंच था कैसे काम किए, 1.5 साल अफसरों के हाथ में रही क्योंकि चुनाव लेट हो रहे हैं, अब मौका आ गया है, क्या कहो? यह बात ना कहो, अफसर का हाथ में थी, खाया गए सारा सौदा, खाया गया लैटरिन भी खाया गया, उनका जो गांव में वो करे मतलब विकास करे, हमारा गांव का जोड़ देख लियो आप, हमारा गांव का तो करे, जोड़ तो साफ सुथरा लग रहे, लकड़ी एक बड़ी एक मिनट में एक मिनट बिट जो आप जोड़ में खाया जाना लाग जाता, मैं आपके सारा पूरा काम का ये सारे भाई पूछ रहे हैं। अच्छा, जब जब पैसा आया था लग रहा था तब बोले थे आपके, आज बोल रहे हो मुहारी चलिए नहीं, चलिए नहीं जब, हाँ
कमजोर थे आप, आपकी बात सुनाई नहीं हुई। वैष्णु अन्ना तो इतने अड़न थे, हम तो सही बात पर तो कहे थे ठीक है। फिर ये सारे भाई हैं, किसो पूछ लो हमारी चाली कौन ठीक है, और सारा गांव का नाश कर रखा। पंचायत के रुपये थे वहां भी खाया गया, फिर के कर हमने अपनी कूड़ी वाइज तागड़ी बोलन से, जिसका एक लड़का लड़का तो चल लिया करे, पंसर दे रखे कूड उसके लिए, ये काम कर रखे। जब अपने चुपा अपना पैसा इकट्ठा करके काम हुए। हाँ 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 पैसा जो आया कहाँ गया पता नहीं, वो खा गया रे। नाम बता दो कौन सा सरपंच था। जी सरपंच था। इब गांव में वोट पड़ने का टाइम आ गया, बहुत सारे लोग खुश भी हैं काम हुआ, ज्यादा लोग नाराज है कि काम नहीं हुआ, पैसा कहाँ गया, कोई हिसाब नहीं, भी हिसाब लेंगे। आप क्या कहो, बोलो बेटा। कुछ नहीं काम हुआ, सारे दौड़ कुए सारी पुली सब टूटी पड़ी है, है? ये चलने का भी रहा नहीं रहा था, स्कूल की बस आओ है, है? इन गांव वाला न करी सरपंच ने कुछ नहीं करा। नहीं तो आपने हिसाब नहीं मांगा जब वो था सरपंच, भाई पैसा वाला कहाँ है, आपने सवाल नहीं उठाया उससे कहाँ है पैसा, गांव के लोग मिलके पूछते उससे। हाँ गांव क्या ना पूछना था बेटा। इब इब क्या करोगे, फिर चुनाव आ गए, इब भी तो सरपंच चुनोगे, इब किस तरह का सरपंच चुनोगे जो पहले तो चलो धोखा कर गया कर गया। इब तो बेटा देख आदमी चुनेंगे उड़े और जाऊंगी है कि नहीं, ये आदमी है ना सोचनी चाहिए तो बात है, किसी ने चुनेंगे किसी ने ना। आप बताओ आप भी वोट डालोगे क्या चीज दे हमारे, किसी के कहने से डालोगे कि मर्जी से, कैसे आदमी को वोट नहीं डालोगे? जिस तरह हमारे गांव के लोग कहेंगे इस तरह चलेंगे हम, आदमियां गेल चलेंगे। आदमियों को समझ ज्यादा राजनीति की। हाँ आदमी जो कहोगे वो करोगे। हाँ आदमी जिस तरह बाहर अंडा का लुगाई थोड़ा अंडा है बाहर, जिस तरह युवा ही खड़ा है ये बाहर का तो आदमी का ना पता, हमने क्या पता, हम तो ठीक है पशु लेकर ना गए। वोट डालोगे अपनी मर्जी से डालना होता है वोट, किसी के कहने से नहीं, कैसे आदमी को चुनोगे बताओ। किताब मन डाल दे अपने मन मर्जी तो करेंगे हम, न किताब है किसे की एक भी दाब वो करना है, कोई सा होना चाहिए जो गांव का सुधार कर दे, जो गांव का सुधार ना बने फिर सरपंच का की। मतरोड़ा ब्लॉक के आदियाना गांव में हमने देखा है लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह है, लेकिन अभी ज्यादा खुलकर बोल नहीं रहे और मुकाबला जिला परिषद के लिए यहां कड़ा होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी दो उम्मीदवार हैं अनिल मलिक सिंह और महावीर सिंह, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जो अभी ताकतवर उम्मीद है, अभी फ्रंट लाइनर है, इन दोनों में मुकाबला होता गाँव आदियाना में कम से कम नजर आ रहा है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, गाँव आदियाना मतलोडा।